Hello children, today we will continue our chapter number 20, Eating Together, that we were doing in the previous video. Today we will continue it. Here it is the new topic, celebrating Bihu. ठीक है, यानी कि अब बिहू इज़ द नेम ऑफ फेस्टिवल दैट द पीपल ऑफ असम यूज टू और एंड इन प्रैक्टिस ऑफ इट्स सेलिब्रेशन. सोनमोनी वॉक अप अर्ली एंड रेन टू मीट हर फ्रेंड्स तनवीर फातिमा मजानी. सोनमनी सुबह उठती है सो करके और दौड़ करके अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है. उसके दोस्त कौन कौन थे? तनवीर फातिमा मजानी. टुडे वॉज ए स्पेशल डे इन असम. आज आसाम में बहुत स्पेशल डे था, काफ़ी अच्छा दिन था. द न्यू राइस क्रॉप हैज़ बीन हार्वेस्टेड, यानी कि जो उन लोगों का जो नया फसल था चावल, ठीक है, वो आज कटने वाला था. यानी कि द न्यू राइस क्रॉप यानी कि धान का जो पेड़ की कटाई थी. फिर है कह रहे कि द विलेज वो सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, यानी कि गाँव के लोग बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले थे. The four friends sang and chatted happily as they made the भेला घर from bamboo. ये जो चार दोस्त थे काफ़ी enjoy कर रहे थे, वो लोग साथ में बातचीत कर रहे थे, गा रहे थे और भेला घर बांस से तैयार कर रहे थे. As you can see in picture also, here is the picture of भेला घर. Let us read how they celebrated बिहू. अब हम लोगों को ये देखना है कि वो लोग कैसे बिहू celebrate करते हैं, यानी कि बिहू festival कैसे celebrate करते हैं. सोनमनी हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेला घर ऑफ ग्रास एंड बैम्बो बिफोर द फेस्ट टू नाइट. सोनमनी कहती है, ठीक है, कि सोनमनी सबको कह रही है, अपने दोस्तों को कह रही है कि हरी अप तेज़ी से, वी मस्ट फिनिश द भेला घर, यानी कि हम लोगों को ये भेला घर आज तक फिनिश करना है. ठीक है, आज रात तक हम लोगों को ये भेला घर फिनिश कर देना है, जो घास से और बाँसों से वो यूज़ करके बनाया गया है. तनवीर कहती है, यस टुडे इज उरुका, यस आज उड़ुका है. द होल विलेज विल ईट टुगेदर, आज सभी गांव के लोग साथ में मिलके खाएंगे. फातिमा कहती है, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फेस्ट, क्या उन लोगों ने भोज बनाना शुरू कर दिया? सोनमनी, यस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स. सोनमनी कह रही है कि सभी लोगों ने पैसे जमा किए हैं ताकि वो लोग बोरा राइस खरीद सकें, मछलियों को खरीद सकें और सब्जियों को. दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर द मेजी, और उन लोगों ने लकड़ियों को भी जमा किया है मेजी के लिए. हरिया एंड बढ़िया हैव नॉट गिवन मनी, हरिया और बढ़िया ने पैसे नहीं दिए हैं, बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क, लेकिन वो लोग अब हमारे कामों में मदद कर रहे हैं. फातिमा, वॉट अबाउट द मीट फिश एंड वेजिटेबल्स. फातिमा पूछ रही है कि मीट के बारे में बताओ, फिश के बारे में बताओ, वेजिटेबल्स के बारे में बताओ. सोनमनी कह रही है, सम पीपल हैव गोन टू मार्केट टू बाई ऑल दिस थिंग्स, कुछ लोग मार्केट गए हैं ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए. द बोरा राइस हैज़ बीन शॉक्ड, और चावल को भिगो दिया गया है. द होल विलेज इज, यानी कि पूरे गांव क्या कर रहे हैं, इज बिजी मेकिंग पिट्ठा, यानी कि पूरे गांव के लोग पिट्ठा बनाने में व्यस्त हैं. सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज, कुछ लोग स्वीट पोटैटो को पका के खा रहे हैं, कुछ लोग उसको सेक रहे हैं. सम विल हेल्प टू सर्व द फूड एट नाइट, कुछ लोग जो है रात में दूसरों को फूड सर्व करेंगे खाने के लिए. इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पिट्ठा, शाम में सभी को चाय और पिट्ठा दिया जाएगा. तनवीर कहती है, आई एम वेटिंग टू ईट द छेवा राइस डैट विल गेट एट द फिस्ट. तनवीर कह रही है कि मुझे छेवा राइस का इंतज़ार कर रहे हैं जो मुझे रात में भोज में मिलेगा. आई रियली लव इट, मैं उस छेवा राइस को बहुत पसंद करती हूँ. फातिमा कह रही है, हाउ विल द छेवा राइस बी प्रिपेयर्ड, छेवा राइस कैसे तैयार किया जाएगा? सोनमनी कह रही है, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉइल द वाटर इन अ बिग ताव और बिग वेसल, वो लोग क्या करेंगे, आग जलाएंगे और बड़े बर्तन में चावल को पकाएंगे. ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई, उस बर्तन के ऊपर वो लोग कढ़ाई को डालेंगे. कंटेनिंग सोक्ड राइस एंड कवर्ड इट विथ बनाना लीव्स, यानी कि उसमें से वो लोग जो चावल को उन्होंने भिगो के रखाया था उस बर्तन में वो भिगोया हुआ चावल डालेंगे और केले के पत्ते से उसको ढक देंगे. आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ देर बाद, द छेवा राइस विल बी कुक्ड एंड रेडी टू ईट, कुछ देर बाद छेवा राइस तैयार हो जाएगा और हम लोग खाने के लिए रेडी हो जाएंगे. लेट अस टॉक, हियर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस वन बाय वन.
फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड, बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम, आसाम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट टुगेदर विद द अदर फैमिलीज, ऐसे ऐसे और कौन से फेस्टिवल्स हैं जो आप दूसरे परिवारों के साथ मिलकर साथ में बनाते हैं? तो आइदर दिवाली हो सकता है, दुर्गा पूजा हो सकता है, छठ हो सकता है, ठीक है, होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज एवरी वन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स, वॉट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेज दे आर कुक्ड, हाउ आर दे कुक्ड? ओब्वियसली इन होली और इन न्यू ईयर वी डू पिकनिक्स, वी कुक फूड कंबाइंडली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर सम स्पेशल वेसल्स यूज फॉर कुकिंग दीज आइटम्स, वॉट आर दे? बिल्कुल, आप जब आप फूड आइटम्स को लार्ज क्वान्टिटी में आप बनाते हैं तो आप उसके लिए आपको यूटेंशल्स भी चाहिए, लार्ज क्वान्टिटी में बड़े यूटेंशल्स भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल डैट इज़ यूज, तो बिगेस्ट वेसल यू यूज इज़ द कढ़ाई। कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट, तो कह रहा है क्या क्या आप उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? तो ओब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ए कढ़ाई। कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल कैन ईट द फूड डैट इज कुक्ड इन इट एट वन टाइम, तो कितने लोग एक बार में उस कढ़ाई में जो खाना बनता है उसमें से कितने लोग एक बार में खा सकते हैं? पतीला भी आप बड़े पतीला को भी यूज़ कर सकते हैं, तो अबाउट 10 to 15-20 पीपल एक बार में खा सकते हैं। माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर फॉर टूडे एंड इन द कमिंग वीडियो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन रीड द चैप्टर प्रॉपरली, कीप वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय।